अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एसिंक सीएसएस एंड पीएमएस और योर सीरीज़ की दूसरी वीडियो है जिसपे हम डिफरेंट इंपॉर्टेंट बुक्स से मस्ट रीड बुक्स जो कि सीएसएस पीएमएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी होती है उसमें से हम रेफरेंसेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि उन रेफरेंसेज को आप मुख्तलिफ जगहों पर करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, अपने एसए के पेपर में या किसी और पेपर में जहाँ पर वो फिट आ रहे हों आप उन्हें इस्तेमाल करके अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो आज जिस बुक से हम रेफरेंसेस एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी बाय टिम मार्शल। इसमें टिम मार्शल ने 10 इंपॉर्टेंट मैप्स, 10 इंपॉर्टेंट रीजन्स जो हैं वर्ल्ड के उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया, उसके पास्ट को, उसकी प्रेजेंट को, उनके मैप्स को, उनकी जियोपॉलिटिकल जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस को, सबको। तो आज हम जो हमें इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं हम वो देखते हैं उसमें से। तो सबसे पहले जो टिम मार्शल हैं, टिम मार्शल एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं, ब्रॉडकास्टर हैं और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। अब अगर कहीं पे बात आ रही हो इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफी की तो आप टिम मार्शल के ये वाले वर्ड्स कोट कर सकते हैं, द लैंडस्केप इम्प्रिजन्स देयर लीडर्स गिविंग देम फ्यूअर चॉइसेस एंड लेस रूम टू मैनोवर देन यू माइट थिंक। कि जो लैंडस्केप होता है ना, जो जियोग्राफी होती है वो लीडर्स को इम्प्रिजन कर देती है, उनकी चॉइसेस को लिमिटेड कर सकती है। तो कहीं पर अगर जियोग्राफी की इम्पोर्टेंस की बात आ रही हो तो आप ये वाले वर्ड्स, ये वाली लाइन कोट कर सकते हैं। एक और लाइन है टिम मार्शल की प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी में कि यू कैन ब्रिंग द ओल्ड वर्ल्ड्स नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी टू द न्यू बट इफ़ जियोग्राफी इज अगेंस्ट यू देन यू विल हैव लिमिटेड सक्सेस स्पेशली इफ़ यू गेट द पॉलिटिक्स रॉन्ग। अब देखिए, अब कहीं पे कोई अगर ऐसी बात आ रही हो, कोई जियोग्राफिकल राइवलरीज की बात आ रही हो जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, इंडिया और चाइना के दरमियान है, तो इस तरह की कोरिया जापान के दरमियान है, चाइना जापान के दरमियान, तो इस तरह के जो है राइवलरीज वहाँ पे आप ये वाले वर्ड्स लिख सकते हैं कि हम ओल्ड वर्ल्ड का नॉलेज तो और टेक्नोलॉजी तो नई वर्ल्ड में ला सकते हैं लेकिन अगर जियोग्राफी ही का आपके अगेंस्ट हो तो आपकी कामयाबी के जो चांसेस हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। इसके बाद है जियोग्राफी हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रिजन ऑफ सोर्ट। अब देखिए कि जियोग्राफी जो है ना वो हमेशा एक कैद खाना रही है, वन दैट डिफाइज व्हाट अ नेशन इज़ और कैन बी, जो कभी कभी या हमेशा जो है वो इस बात की मुखालफत करती है कि नेशन जो एक कौम है वो क्या है या वो क्या हो सकती है, एंड वन फ्रॉम विच आवर वर्ल्ड लीडर्स हैव ऑफन स्ट्रगल्ड टू ब्रेक फ्री। मतलब वही जियोग्राफिकल राइवलरीज की बात की गई है कि लीडर जो है वो हमेशा इसे अवॉइड करने की, डिफाई करने की कोशिश करते हैं। कहीं पे भी जियोग्राफी के आप कोई भी करंट अफेयर का लिख रहे हैं, पाकिस्तान अफेयर का पेपर लिख रहे हैं, आप कोई एसे का पेपर लिख रहे हैं, तो आप कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट देना चाह रहे हैं जिसमें आप जियोग्राफी की इंपॉर्टेंस लिख रहे हैं, तो ये टिम मार्शल के वर्ड्स जो हैं आप प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी से कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर चाइना और इंडिया के दरमियान की बात आ रही हो तो आप ये कोट कर सकते हैं, चाइना एंड इंडिया टू मैसिव कंट्रीज विद ह्यूज पॉपुलेशंस दैट शेयर अ वेरी लॉन्ग बॉर्डर बट आर नॉट पॉलिटिकली और कल्चरली अलाइंड। के चाइना और इंडिया जो कि मैसिव कंट्रीज़ हैं, पॉपुलेशन उन दोनों की ही बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग बॉर्डर वो शेयर करते हैं लेकिन उनमें कोई भी पॉलिटिकल या कल्चरल अलाइनमेंट नहीं है। तो कहीं पे चाइना और इंडिया के रिलेशंस की बात आ रही हो या चाइना इंडिया का कोई टॉपिक आप लिख रहे हो, कोई ऐसे में लिख रहे हो, तो आप ये वाले प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी का ये वाला रेफरेंस कोट कर सकते हैं। अगर कहीं पर देखिए जियोपॉलिटिक्स की बात आ रही हो, जियोपॉलिटिक्स एक इंतहाई बस वर्ड है, तो अगर ऐसा कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें आपको आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने आर्ग्यूमेंट को, तो आप ये वाला रेफरेंस देख सकते हैं कि पॉलिटिकल रियलिटीज़ आर शेप्ड बाय द मोस्ट बेसिक फिजिकल रियलिटीज़। कि जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ होती हैं ना वो ज़्यादातर बेसिक जो फिजिकल रियलिटीज़ होती हैं ना, जो जियोग्राफी होती है उसी से शेप होती हैं। अब देखिए, अगर कहीं पे जो है वो रशिया की बात आ रही हो, आप उसने रशिया के मैसिव होने का, रशिया जो है वो बिगेस्ट कंट्री है पूरी वर्ल्ड का, तो उसके मैसिव होने को टिम मार्शल ने इन वर्ड्स में बयान किया है कि वेयर एवर वी आर देयर इज रशिया, परहैप्स टू आवर ईस्ट और वेस्ट, टू आर नॉर्थ और साउथ, बट देयर इज रशियन बियर। कि हम जहाँ कहीं भी होंगे ना वहाँ पर रशिया होगा, या वो हमारे ईस्ट वेस्ट में होगा, या वो हमारे नॉर्थ साउथ में होगा, लेकिन हमेशा एक रशियन बियर जो है ना, मतलब रशिया जो है ना वो लाजमी होगा। इसके अलावा वो सारा पालिन के ये वाले वर्ड्स को भी कोट करते हैं टिम मार्शल अपनी बुक में कि यू कैन एक्चुअली सी रशिया फ्रॉम लैंड हियर इन अलास्का। अलास्का आपको पता है कि अलास्का एक अमेरिकन स्टेट है जो कि अमेरिका ने एक्चुअली रशिया से ही खरीदी है, तो ये बस उसे इसी तरह से कहा गया है सारा पालिन ने कि
आप रशिया को अलास्का से खड़े होकर भी देख सकते हैं, मतलब उसकी सिर्फ जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस को बयान करने के लिए। नेक्स्ट है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, इट इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम द पैसिफिक टू बर्लिन, फ्रॉम द आर्टिक टू द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान। के सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये रशिया की एक्सपेंशन को बताया हुआ है, उसके जियोग्राफिकल एक्सपेंशन को बताया हुआ है कि वो किस तरह से एक्सपेंड हुआ है। अ सुपर पावर इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली राइवल्ड ओनली बाय यूएस। के सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है वो इतना एक्सपेंड हो गया है और इतना इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरीली एक सुपर पावर बन गया है जिसको सिर्फ यूएस उसके अपोजिट में था। नेक्स्ट है रशियन ड्रीम। अगर कहीं पर रशियन ड्रीम की बात आ रही हो तो आप ये वाले वर्ड्स लिख सकते हैं कि रशिया का जो था वो ड्रीम था कि वॉश देयर बूट्स इन वार्म वाटर ऑफ इंडियन ओशन। नेक्स्ट हमारे पास अब देखें रशिया और यूक्रेन, जबकि ये रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेट किया है तो तब का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें आप प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी के वाला रेफरेंस कोट कर सकते हैं कि द वेस्ट वॉज पुलिंग यूक्रेन इंटेलेक्चुअली एंड इकोनॉमिकली टूवर्ड इट, के जो वेस्ट है वो यूक्रेन को इंटेलेक्चुअली और इकोनॉमिकली अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रहा था वाइल हेल्पिंग प्रो वेस्टर्न यूक्रेनियंस पुश इट वेस्टवर्ड बाय ट्रेनिंग एंड फंडिंग सम ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन ग्रुप्स। किस तरह से वेस्ट जो है वो यूक्रेन को फंड और ट्रेन करके अपनी तरफ पुल कर रहा था। नेक्स्ट है आप चाइना के बारे में कुछ लाइंस देख लिखते हैं जो टी मार्शल ने लिखी हैं कि चाइना, ये उन्होंने एक्चुअली कोट किया है लुसाइन पाई को जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, कि चाइना इज सिविलाइजेशन प्रीटेंडिंग टू बी अ नेशन। तो कहीं पे आप चाइना का कोई टॉपिक लिख रहे हैं तो आप इस तरह का कोई इंट्रो में लाइन लिखें तो ये बहुत अट्रैक्टिव होगी एग्जामिनर के लिए। नेक्स्ट है चाइना चोज द सेम स्ट्रेटजी एज रशिया, अटैक एज डिफेंस लीडिंग टू पावर। इसके अलावा अगर आपने चाइना की इकोनॉमी, चाइना के स्टेट सिस्टम को बताना हो तो आप ये वाले वर्ड्स लिख सकते हैं कि डेंग ज़ियाओपिंग कॉइन्ड द टर्म सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स विच अपीयर्स टू ट्रांसलेट, मतलब सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका आम अल्फाज में तर्जमा ये होगा कि टोटल कंट्रोल फॉर द कम्युनिस्ट पार्टी इन आ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्योंकि किस तरह जो डेंग ज़ियाओपिंग था, उन्होंने जो कि वर्ल्ड उस वक्त की कैपिटलिस्ट वर्ल्ड थी तो 1970s में, तो उसके अपोज नहीं गए बल्कि उन्होंने एक, क्योंकि चाइना में अगर कहा जाए तो सोशलिज्म है, कम्युनिस्ट की एक सॉफ्ट फॉर्म है, लेकिन उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिवेल्प करके चाइना को आज स्टेज तक ले आएंगे कि वो एक इकोनॉमिक पावर है। अगर इफ़ चाइना डिड नॉट कंट्रोल तिब्बत, अगर कहीं पर कोई तिब्बत की बात आ रही हो या चाइनीज एक्सपेंशन की बात आ रही हो या इवन आप अगर ताइवान की बात आ रही है ना, तो वहाँ पे भी आप इंट्रोडक्शन में ये वाला थोड़ा सा हवाला दे सकते हैं कि किस तरह टी मार्शल कहते हैं कि चाइना डिड नॉट कंट्रोल तिब्बत, इट वुड ऑलवेज बी पॉसिबल दैट इंडिया माइट अटेम्प्ट टू डू सो। कि अगर चाइना जो है वो तिब्बत को कंट्रोल नहीं करता तो ऐसा हो सकता था कि इंडिया जो है वो उसे कंट्रोल करने की अटेम्प्ट कर सकता था। अब अगर इकोनॉमिक स्केल पे देखें, चाइना नाउ हैज़ अ ग्रैंड बार्गेन विद द वर्ल्ड, वी विल मेक द स्टफ फॉर चीप, यू बाय इट फॉर चीप। अब आप देखें चाइना जो है वो अपने ऑडियंस को सामने रख कर जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर आप चीप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई डेवलपिंग स्टेट्स हैं वो चाइना से चीज़ें जो है वो इंपोर्ट करती है, तो चाइना उन्हें चीप स्टफ जो है वो एक्सपोर्ट करेगा। जबकि अगर कोई डेवलप्ड नेशंस हैं वो चाइना से कोई चीज़ इंपोर्ट करना चाहती हैं तो चाइना जो है वो उन्हें हमेशा एक अच्छी क्वालिटी की, तो चाइना जो है वो वही चीज़ें बनाता है जैसे कि उसकी जो बायर होते हैं उन्हें ज़रूरत होती है। चाइनीज़ की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को इन अल्फाज में देख सकते हैं कि चाइना हैज़ लॉक्ड इटसेल्फ इनटू ग्लोबल इकोनॉमी, इफ़ वी डोंट बाय दे डोंट मेक, एंड इफ दे डोंट मेक देयर विल बी अ मैस अनएम्प्लॉयमेंट। इफ देयर इज मैस एंड लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट इन एन एज व्हेन द चाइनीज आर पीपल पैक्ड इनटू अर्बन एरियाज, द इनएविटेबल सोशल अनरेस्ट कुड बी लाइक एवरीथिंग एल्स इन मॉडर्न चाइना ऑन अ स्केल हिथरटू अनसीन। कि वो ये कह रहे हैं कि चाइना जो है उसने आज इस तरह से खुद को ग्लोबल इकोनॉमी में इंटरवोवन कर लिया है कि अगर आप खरीदेंगे नहीं ना तो चाइना बनाएगा नहीं, और अगर चाइना बनाएगा नहीं तो एक मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, एक सोशल अनरेस्ट पैदा हो जाएगा। तो चाइना ने इस तरह से खुद को इंटरवाइन किया हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी में। अब अगर कहीं पे यूएस चाइना रिलेशंस की बात आ रही हो तो आप ये वाले वर्ड्स लिख सकते हैं टी मार्शल के, ओवर द पास्ट डेकेड अज्यूम्स दैट बाय द मिडल ऑफ 21st century चाइना विल ओवरटेक द यूनाइटेड स्टेट्स एंड बिकम द लीडिंग सुपर पावर्स। ये एक्चुअली टी मार्शल ने जो है वो डिफरेंट एनालिस्ट जो हैं उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया है या उन्होंने जो एनालिसिस किया है
ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर यूएसए और चाइना की बात हो रही हो तो हम टी मार्शल की प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी में से के वाले वर्ड्स लिख सकते हैं कि ओवर द पास्ट डेकेड एज्यूम्स दैट बाय द मिडिल ऑफ 21st सेंचुरी चाइना विल ओवरटेक यूएस एंड बिकम द लीडिंग सुपर पावर। के सब एनालिस्ट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग के अगर जो है चाइना ने जैसे पास्ट डेकेड में अपनी डिवेलपमेंट जारी रखी है तो अगर अब भी रखते हैं तो उम्मीद है कि मिडिल 21st सेंचुरी तक चाइना जो है वो एज ए सुपर पावर यूएस को ओवरटेक कर लेगा। अब चाइनीज आर नॉट पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकल, दे डू नॉट सीक टू स्प्रेड कम्युनिज्म, नॉट डू दे कोवेट मोर टेरिटरी इन द वे द रशियंस डिड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड आइदर साइड इज लुकिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट। अब ये वाला आपने वर्ड सुना होगा न्यू कोल्ड वॉर का, कहीं पे जैसे न्यू कोल्ड वॉर में एक्चुअली क्या होगा, इसमें पास्ट की जो हमारी 90s की कोल्ड वॉर थी 20th सेंचुरी की रशिया और यूएसए की कोल्ड वॉर और आज की जो है ये कहा जाता है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान है, तो वहाँ पे ये एक बेस्ट वर्ड्स हैं अगर आप ये कोट कर सकते हैं दोनों के कंपैरिजन में कि रशिया में और चाइना में, कि जो चाइना है ना वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल भी नहीं है कि मतलब वो कम्युनिज्म को स्प्रेड भी नहीं करना चाहता और खुद को जियोग्राफिकली एक्सपेंड भी नहीं करना चाहता जैसे कि रशिया कर रहा था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कि और दोनों में से दोनों जो है ना नाइदर साइड लुकिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट के यूएस और जो चाइना है ना वो दोनों जो हैं वो आज के दिनों को सामने रखते हुए वो दोनों जो है वर्ल्ड में दोबारा से वो कोल्ड वॉर वाला जो माहौल था कि वर्ल्ड जो है वो बिल्कुल ही दो ब्लॉक्स में डिवाइड है, तो ये उस तरह का माहौल जो है वो दोबारा से लाना नहीं चाहते। तो ये वाले वर्ड्स आपको कहीं पर इसराइल और पैलेस्टाइन की बात आ रही हो तो आप हिमाचल ये वाले वर्ड्स लिख सकते हैं कि इसराइल रिगार्ड्स जेरुसलम एज इट्स एटर्नल इंडिविजिबल कैपिटल। अगर ईरान के बारे में आप कुछ लिख रहे हैं, ईरान की आज के सिनेरियो के बारे में, आज के हालात के बारे में, तो आप टी मार्शल के वाले वर्ड्स लिख सकते हैं कि ईरान रिमेन्स रिलेटिवली पुअर ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, करप्शन, माउंटेनियस टोपोग्राफी दैट हिंडर्स ट्रांसपोर्ट कनेक्शंस एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस दैट हैव इन पार्ट प्रिवेंटेड सर्टन सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम मॉडर्नाइजिंग। मतलब इसमें इन लाइन्स में जो है टी मार्शल ने ईरान के आज अगर वो करप्ट है, उसमें मिसमैनेजमेंट है, उसके पुअर होने की वजह बताई है कि उसमें मिसमैनेजमेंट है, उसमें करप्शन है, उसकी माउंटेनियस टोपोग्राफी है जो कि उसे वर्ल्ड से कनेक्ट करने में हिंडर करती है, हिंड्रेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ईरान जो है वो आज के हद तक इतना मॉडर्न नहीं हो सका। नेक्स्ट, अगर आप इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो आपके वाले वर्ड्स लिख सकते हैं कि इम्पोवेरिस्ट, वोलाटाइल एंड सप्लिंटरिंग, पाकिस्तान अपीयर्स टू डिफाइन इटसेल्फ बाय इट्स अपोजिशन टू इंडिया, व्हाइल इंडिया डिस्पाइट ऑब्सेसिंग अबाउट पाकिस्तान डिफाइंस इटसेल्फ इन मेनी वेज इंक्लूडिंग दैट ऑफ बीइंग एन एमर्जिंग वर्ल्ड पावर विद अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड एक्सपेंडिंग मिडिल क्लास। अब आपने ये ख्याल रखना है कि आप ये पाकिस्तान के बारे में ये वर्ड्स लिखेंगे तो आप इस तरह से नहीं लिख देना कि आपका ये स्टांस जो है वो एंटी स्टेट लगे, क्योंकि हमने सीएसएस पीएमएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपने वर्ड्स के बारे में बहुत केयरफुल रहना होता है। तो अगर आप इसी तरह से देखें तो ये ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान की तोहीन कर रहे हैं जबकि ये टी मार्शल की आप बुक से वर्ड्स जो हैं ये कोट किए हुए हैं ये वाले, तो आपने इस तरह की टी मार्शल जो है अगर आर्गूमेंट आप ऐसा का दे रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान में, पाकिस्तान और इंडिया कहाँ कहाँ है आज, पाकिस्तान किस मुकाम पे है, इंडिया किस मुकाम पे है, उसकी इकोनॉमी इंडिया की कहाँ पे पहुँच गई है, पाकिस्तान जो है स्टिल वेटिंग फॉर आईएमएफ बेल आउट, इस तरह की आप कोई बात कर रहे हो ना तो फिर आप प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी में से ये वाले वर्ड्स जो है वो रेफरेंस कोट कर सकते हैं। अब अगर आप नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं, एक आइसोलेटेड कंट्री की बात कर रहे हैं, तो इन रियलिटी इट इज़ द लीस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट इन द वर्ल्ड, इट इज़ नॉट रन फॉर द पीपल एंड इट इज़ नॉट अ रिपब्लिक। के जो कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, वो लीस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट है पूरी दुनिया में, जो लोगों के लिए काम नहीं करती, फंक्शनल नहीं है, और ये कोई रिपब्लिक भी नहीं है, बल्कि इसमें डायनेस्टीज जो हैं वो फैमिलीज जो हैं, वन फैमिली उसके वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो इक्तदार है वो मुंतकिल होता है। इट ऑल्सो चेक्स ऑफ एवरी बॉक्स इन द डिक्टेटरशिप टेस्ट, आर्बिट्रारी अरेस्ट कर लेते हैं, टॉर्चर करते हैं पब्लिक को, ट्रायल्स शो करते हैं, इंटरमेंट कैंप्स होते हैं, सेंसरशिप होती है, होफ का रूल होता है, करप्शन है, एंड अ लाइटनिंग ऑफ हॉरर्स ऑन अ स्केल विदाउट पैरेलल इन द 21st सेंचुरी। कि ऐसा 21st सेंचुरी में आज किसी और मुल्क में ऐसा निज़ाम नहीं है जो आज के दौर में भी नॉर्थ कोरिया में है।
नेक्स्ट अगर आप कहीं पे चाइना और जापान की बात कर रही हूँ तो आप ये वाले वर्ड्स लिख सकते हैं कि इट इज़ चाइना दैट कीप्स जैपनीज लीडर्स अवेक एट नाइट एंड कीप्स देम क्लोज टू यूनाइटेड स्टेट्स डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरीली। अब ये था हमारे पास आज प्रिज्मस ऑफ जियोग्राफी बाय टीम मार्शल से एक्सट्रैक्ट किए हुए इंपॉर्टेंट रेफरेंसेज जो आप डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में एक और बुक का पाकिस्तान हार्ट कंट्री का उसमें से हमने रेफरेंसेज को एक्सट्रैक्ट किए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मज़ीद जो हमारी इस सीरीज़ की अगली वीडियो होगी वो होगी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बुक्स, वन ऑफ द बेस्ट एवर रिटन बुक्स ऑफ योल नोआ हरारी 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। तो हम इसमें से वो 21 लेसन्स को देखेंगे, उन रेफरेंसेस को निकालेंगे जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स देने में हमारे लिए कारामद साबित हो सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।